हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको CTU की ब्रांड न्यू बस से चंडीगढ़ से चंबा का सफ़र करवाएंगे। CTU यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने हाल ही में चंबा हिमाचल प्रदेश के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है और आज इसी बस से हम चंबा जाएंगे। इससे पहले दिन के समय में चंडीगढ़ से चंबा के लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब CTU ने इसकी पहल की है। साथ ही चंडीगढ़ से चंबा के लिए HRTC के अलावा और किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस नहीं थी, लेकिन अब CTU का ऑप्शन भी इस रूट पर लोगों को मिल गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़ से चंबा के सफ़र पर। आज दिन है 4 मई और सुबह 7:30 बजे हम हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड में। CTU की चंबा जाने वाली नई बस यहां काउंटर पर लग गई है। CTU ने हाल ही में अशोक लेलैंड से ये नई AC बसेस खरीदी हैं और आज 11 नए इंटरस्टेट रूट्स पर बसेस शुरू की जा रही हैं, जिनमें से हिमाचल प्रदेश के लिए चंडीगढ़ चंबा रूट भी शामिल है। इसके अलावा आज ही CTU द्वारा चंडीगढ़ से उत्तराखंड के लिए काठगोदाम वाया हल्द्वानी, कोटद्वार वाया हरिद्वार, ऋषिकेश वाया देहरादून, उत्तर प्रदेश में वृंदावन वाया दिल्ली, आगरा वाया दिल्ली, हरियाणा में नारनौल वाया 152D ट्रांस एक्सप्रेसवे, भिवानी वाया जींद, पंजाब में मानसा वाया पटियाला, फिरोजपुर वाया लुधियाना और जम्मू कश्मीर में कटरा वाया ऊना तलवाड़ा जम्मू रूट शुरू किए जा रहे हैं। आज पहला दिन है तो CTU के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सब लोग इस नई शुरू हुई बस को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। चंडीगढ़ से चंबा डे सर्विस की मांग काफ़ी लंबे समय से थी, जिसे HRTC तो पूरा नहीं कर पाया, मगर CTU ने ये मांग पूरी कर दी है। CTU की ये नई बसेज अशोक लेलैंड से खरीदी गई हैं और इसके अलावा CTU के फ्लीट में टाटा मैग्ना AC बसेज भी हैं। ये बसेज HRTC की हिमधारा बसेज जैसी ही हैं, यानी 3x2 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ HVAC की सुविधा। दोस्तों, हिमाचल आने की हो बात तो हिमबस है ना आपके साथ। अगर आप इन गर्मियों में मनाली, शिमला, किन्नौर या स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमने हिम पैराडाइज के साथ मिलकर आपके लिए एक्साइटिंग और बजट फ्रेंडली पैकेजेस तैयार किए हैं। अपनी क्वेरीज हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम आपके लिए आपकी ज़रूरतों के अनुसार एक कस्टमाइज प्लान तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्वेरीज और पाइए बेहतरीन टूर प्लान्स। फिर 8:05 पर हमारी बस चंडीगढ़ से चंबा के अपने पहले सफ़र पर निकल गई। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बस के रूट की। CTU की ये बस चंडीगढ़ से शुरू होकर रूपनगर, ऊना, अंब, तलवाड़ा, धमेटा, रहन, जसूर, नूरपुर, लाहड़ू, तुनुहट्टी व बनीखेत होते हुए चंबा तक जाएगी। ये रूट करीब 370 किलोमीटर लंबा होगा और CTU की इस AC बस का किराया है 770 रुपये। आज बस का पहला दिन है तो टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर टाइमिंग्स में कोई अपडेट होती है तो आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। बस में मेरे सिवा चंबा जाने वाली दो और सवारियां हैं। इसके अलावा कुछ पैसेंजर्स ऊना, तलवाड़ा और नूरपुर जाने वाले भी हैं।
और ये CTU के इंस्पेक्टर करम सिंह जी और उनके सहयोगी आज बस के साथ जा रहे हैं। और हमारी बस के ड्राइवर हैं वेद प्रकाश जी और कंडक्टर हैं भूपेंद्र जी। आगे ये HRTC की नाहन धर्मशाला बस भी निकल रही है। ये NH05 लुधियाना और फिरोजपुर की ओर जाता है, जबकि हमें अब कीरतपुर तक NH205 पर जाना है। आठ बजकर 50 मिनट पर हम रोपड़ पहुंच गए। यहां तो बसेस बाईपास से ही निकल जाती हैं। रोपड़ के बाद फिर यहां पर कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है और हमारी बस को यहां जाम से निकलने में करीब आधा घंटा लग गया। और ये दिल्ली से अंब अंदौरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी साइड से निकल रही है। इस ट्रेन पर बनाई हमारी वीडियो का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है। कीरतपुर के बाद फिर हम NH205 छोड़कर NH503 पर आ गए और अब हमें ऊना से आगे अंब तक इसी हाईवे पर जाना है। और यहाँ आनंदपुर साहिब में भी वंदे भारत साथ साथ ही चल रही है। अभी ये पीछे आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, इसीलिए हमारी बस भी इसके बराबर पहुँच गई। आनंदपुर साहिब से फिर अब थोड़ा घूम कर जाना होगा, क्योंकि आगे नंगल में रोड बंद है। हमारे आगे ये CTU की चंडीगढ़ सुजानपुर बस जा रही है और ये ठीक स्पीड से भाग रही है। और ये 32 मील चंडीगढ़ बस भी आ गई। आज़
जल्दी ही फिर हम हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए और ये है ज़िला ऊना का संतोषगढ़ शहर। NH 503 तो नंगल होते हुए सीधा ऊना की ओर निकलता है, मगर अभी वो बंद किया हुआ है तो हमें इस अल्टरनेट रूट से होकर आना पड़ा। संतोषगढ़ के बाद हम सीधा महतपुर की ओर निकलेंगे। ये सामने है राय महतपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम फिर से मेन रोड यानी NH 503 पर मिल गए। अनंतपुर साहिब से यहाँ महतपुर तक आने में वैसे तो हार्डली आधा घंटा लगता है, पर इस तरफ से 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। फिर 11 बजे हम पहुंच गए ऊना। ये सरकाघाट अमृतसर बस यहां से निकल रही है। ऊना में हमारी बस से काफ़ी पैसेंजर्स उतर गए। आगे जाने वाले बस 5-6 लोग ही हैं। हमारी बस जब ऊना पहुंची तो यहां प्राइवेट बसेस वाले तो इस बस को देखकर चौंक गए। ऊना तलवाड़ा जसूर लाइन पर दिन भर प्राइवेट बसेस के रूट्स चलते हैं और पहले दिन आई इस बस का अभी यहां से टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए यहां प्राइवेट ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि पहले टाइम लो और फिर बस चलाओ। खैर, इस सब में यहाँ पर आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया। HRTC ने तो इसके लिए NOC दे दी है, पर थोड़ा वक्त निर्धारित करने की ज़रूरत है। साथ आए CTU के इंस्पेक्टर्स ने उन्हें टाइम टेबल फिक्स करने का विश्वास दिलवाया और उसके बाद फिर बस आगे चली। अम्ब से पहले फिर इस गौतम वैष्णो ढाबा पर हमारी बस लंच के लिए रुक गई। CTU पंजाब और हरियाणा की और भी कई बसेस यहां पर खाने के लिए रुकी हुई हैं। यहां फिर बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही मैंने खाना खाया। ढाबे वाले तो इस नई बस के लिए काफ़ी खुश थे और उन्होंने इसके लिए सभी को मिठाई भी खिलाई। यहाँ पर भरपेट खाना खाने के बाद अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। Thank you.
जल्दी ही फिर हम पहुंच गए अंब और यहां पर एक नई प्रॉब्लम हो गई। ड्राइवर साहब ने देखा कि बस का एड ब्लू सिर्फ 10% ही बचा है। ऐसे में बस ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। थोड़ा इधर उधर बात करने से पता चला कि अशोक लेलैंड की एजेंसी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पीछे हैं, तो वहाँ जाकर अब एड ब्लू डलवाना पड़ेगा। तो हमारी बस ने यू टर्न मारा और फिर से पीछे मुड़ गई। इन BS6 बसेस में एड ब्लू यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसेस कम होती हैं। HRTC की इंटीरियर एरियाज़ में जाने वाली BS6 बसेस के लिए ये थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ सर्विस सेंटर्स नहीं होते तो पहले से पूरा टॉपअप करना ज़रूरी होता है। फिर वापस आकर हम यहाँ इस TR एंटरप्राइजेस पर पहुँचे और यहाँ पर बस में ये एड ब्लू डाला गया। वैसे ड्राइवर साहब ने ध्यान दे दिया, वरना बस कहीं बीच रास्ते रुक जाती। ड्राइवर ने बताया कि जो बस पहले चंबा के लिए लगाई थी उसमें सब चेक कर लिया था, पर लास्ट मिनट पर बस बदल दी गई तो जल्दबाजी में ये सब हो गया। चलो फिर भी एजेंसी 10 किलोमीटर पास थी, वरना कहीं और आगे निकल जाते तो बस बंद हो जाती, फिर ज़्यादा परेशानी होती। इसके बाद फिर वापस अंब से होते हुए हम पहुंचे मुबारकपुर और यहां से हम तलवाड़ा वाले रोड पर जाएंगे। मुबारकपुर चौक 4 मुख्य सड़कों का जंक्शन है, जिनमें से एक रोड जाता है ऊना चंडीगढ़, दूसरा होशियारपुर जालंधर, तीसरा चिंतपुरनी कांगड़ा व चौथा जसूर पठानकोट की ओर, जिस पे हम जा रहे हैं। एक 1:50 पर हम पहुंच गए दौलतपुर चौक। दौलतपुर चौक ज़िला ऊना का एक बड़ा शहर है। यहां काफ़ी बड़ी मार्केट भी है और दौलतपुर इस तरफ ज़िला ऊना का आखिरी शहर है। अब इसके आगे हम मरवाड़ी से फिर से पंजाब में एंटर कर जाएंगे। ये आ गया मरवाड़ी बैरियर और यहाँ से शुरू होता है ज़िला होशियारपुर पंजाब। तलवाड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। सवा 2 बजे फिर हम तलवाड़ा पहुँच गए। आज पहले रोपड़ में जाम, फिर ऊना में प्राइवेट ऑपरेटर्स और फिर ये एड ब्लू का चक्कर। इस सब में 1.5 घंटा वेस्ट हो गया, वरना हम 1:30 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाते। हमारी बस ने यहाँ तलवाड़ा बस स्टैंड में एक चक्कर लगाया और फिर बिना रुके यहाँ से आगे निकल गई। पहला दिन है तो आज एक सर्वे जैसा ही होगा कि बस कितने बजे कहाँ पहुँच रही है, फिर उस हिसाब से टाइम फिक्स किए जाएंगे। तलवाड़ा से थोड़ा ही आगे निकलकर फिर से हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। CTU की बस के लिए ये रास्ता नया है, क्योंकि तलवाड़ा तक तो ऑलरेडी CTU बसें चलती हैं, मगर इसके आगे पहली बार जा रही है।
ये है संसारपुर टेरेस और यहाँ ये हिमाचल प्रदेश का एंट्री टोल है और अब हम ज़िला कांगड़ा में पहुँच गए हैं। घाटी बैरियर के बाद फिर पहाड़ी मोड़ शुरू हो जाते हैं। आगे बीबीएमबी का पोंग डैम है तो घाटी पुलिस बैरियर पर एंट्री करवाकर आगे जाना होता है। जल्दी ही हम फिर पहुंच गए पोंग डैम पर। ब्यास नदी पर ये 2 किलोमीटर लंबा बांध है और इस तरफ इसकी विशाल झील है। इस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा ज़िला का ये रिजर्वायर वेटलैंड सेंचुरी है और रामसर कन्वेंशन द्वारा घोषित भारत की 49 वेटलैंड साइट्स में से एक है। तीन बजे फिर हम पहुंच गए फतेहपुर। हमारी बस किसी स्टॉप पर सवारियां उठाने के लिए रुक नहीं रही क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स फिर थोड़ा भड़क जाते हैं। अभी इसका टाइम तय हो जाएगा तो मेजर स्टॉप्स जैसे धमेटा, फतेहपुर रहन, राजा का तालाब वगैरह पर इसका स्टॉप होगा। हाँ जी हाँ, सीधे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखो जी देखो। लेफ्ट साइड जाना जी। ये ज्वाली देरा निकलता है, देरा जाके नगरोटा सूरिया देरा। साढ़े तीन बजे हम फिर जसूर पहुंच गए। अब हमें जाना है आगे नूरपुर की तरफ। जसूर में हम पहुंच जाते हैं NH 154 पर और इसे 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। नूरपुर तक अब हम इस NH 154 पर जाएंगे और उसके बाद हम लाहड़ू की ओर टर्न लेंगे। इस तरफ ये जसूर की HRTC बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप है। पहले HRTC अपनी बसेस पर खुद बॉडी लगाता था लेकिन अब तो बाहर से ही बसेस खरीदी जाती हैं।
राइट साइड जाना है। पौने 4 बजे फिर हम नूरपुर पहुंच गए। नूरपुर में हमारी बस बस स्टैंड के बाहर ही रुकी, क्योंकि आज बस ऑलरेडी लेट हो गई है और चंबा अभी दूर है, तो जल्दी यहां से निकलना होगा। चला गया जी धर्मशाला कांगड़ा। यहाँ पर फिर हम NH 154 छोड़कर लाहड़ू की तरफ मुड़ गए। सदवां से आगे फिर ये लाल मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये चक्की खड्ड का कैचमेंट एरिया है और यहाँ के ये पहाड़ काफ़ी अनस्टेबल से हैं। बरसात के दिनों में ये रोड बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। ये सामने अब दिखाई देने लगा है लाहड़ू। साढ़े 4 बजे फिर हम लाहड़ू पहुंच गए। हमारी बस को वाया बनीखेत जाना है, तो यहां से लेफ्ट लेना होगा। सीधा रास्ता चौवाड़ी व जोत होते हुए चंबा निकलता है और यहां लाहड़ू में हमारी बस चाय के लिए रुक गई। अंब में लंच करने के बाद हम लगातार ही चल रहे हैं, तो अब एक ब्रेक तो बनता है। लाहड़ू में आज पहली बार किसी और स्टेट या यूटी की बस पहुँची है, तो सब उसे देख कर खुश हो रहे हैं। इधर से ये शिमला चंबा बस भी यहाँ पर पहुँच गई और इसके ठीक पीछे आ गई ये शिमला चंबा सुपरफास्ट। पहले आई शिमला चंबा वाया बनीखेत जाएगी और ये सुपरफास्ट बस वाया जोत जाएगी, तो ये तो सुपरफास्ट तरीके से फटाफट यहाँ से भाग गई। लाहड़ू में करीब 15 मिनट रुककर फिर हम निकल गए तुनुहट्टी की तरफ। फिर ये पुल भी थोड़ा तंग है, तो धीरे धीरे होकर बस यहाँ से निकली। आगे से ये आ गई चंबा हरिद्वार बस। चंबा से चंडीगढ़ की तरफ यही एक बस वाया लाहड़ू होकर जाती है। इस बस का जर्नी व्लॉग भी हमने पिछले साल आपको दिखाया था। अभी हम ककीरा की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और यहां से नीचे पठानकोट साइड के बहुत सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। अब इसके आगे हमें तुनुहट्टी तक थोड़ी उतराई उतरनी है। तुनुहट्टी में फिर हम मिल जाते हैं NH 154A पर। ये NH चक्की पठानकोट से भरमौर तक है और अभी हमें यहाँ से चंबा तक इसी हाईवे पर जाना है।
नीचे ये नैनीखड कस्बा है जहाँ से हम अभी आए हैं। अब आगे आएगा बनीखेत जो कि करीब 11 किलोमीटर दूर है और बनीखेत तक हमें चढ़ाई चढ़नी है। छः बजे के करीब हम फिर बनीखेत पहुंच गए। चंबा अभी यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 1.5 घंटा तो लगेगा ही। बनीखेत से डलहौजी की दूरी 6 किलोमीटर है, तो अगर आप चंडीगढ़ या फिर ऊना साइड से डलहौजी आना चाहो तो बनीखेत तक इस बस में आ सकते हो। फिर हमारी बस पहुंची यहाँ गोली जीरो पॉइंट। यहाँ से नीचे वाला रास्ता चमेरा डैम, सलूनी व तीसा भंजराड़ू की तरफ जाता है, जबकि ऊपर को है चंबा व भरमौर। ये वाला व्यू तो एकदम अल्टीमेट है। सामने है पीर पंजाल माउंटेन रेंज और नीचे है चमेरा लेक। ऐसे व्यूज दिखने लग जाएं तो सफ़र की तो सारी थकान उतर जाती है। सात बजकर 7:40 पर फिर हमारी बस चंबा बस स्टैंड पहुंच गई। आज के इस पहले दिन के सफ़र में हमें करीब 12 घंटे लग गए, लेकिन अनुमान है कि ये बस आने वाले टाइम में 5:30-6 बजे तक चंबा पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, ये था हमारा चंडीगढ़ से चंबा का सफ़र CTU की बस से। आज पहली बार CTU बस चंबा पहुंची है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब रोडवेज पठानकोट डिपो की बस भी आती है। हरियाणा रोडवेज का बल्लभगढ़ चंबा रूट पिछले लंबे समय से बंद चल रहा है। ये CTU बस अब सुबह 7:36 पर चंबा से चंडीगढ़ के लिए वापस चला करेगी और शाम करीब 6 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। तो CTU की चंडीगढ़ से चंबा डे सर्विस शुरू हो गई है। उम्मीद है स्थानीय लोगों के साथ साथ डलहौजी आने वाले टूरिस्ट को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इस सेवा का लाभ ज़रूर उठाएँ। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी जर्नी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।